वाह क्या है यार, चल हमारा जाने का टाइम हो गया, पर यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा है हमारा। इतना क्लियर पानी है यार। प्रॉपर्टी है जो ये बीच के बिल्कुल पास में है। कोलवा बीच बहुत ज्यादा सुंदर है और वाओ अच्छा लग रहा है ना। गुड यार, आरव का तो पता नहीं पर मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डे थ्री और आज हम मॉर्निंग में सुबह उठ के नहा धोकर रेडी हो गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए और आज हमारा चेकआउट है यहाँ से और अब हम जाएंगे साउथ गोवा में। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं यहाँ से। वाटर मेलन ये खाओगे? तो जी आरव तो बैठ गया। तो जी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए अपना रख लिया है, आरव भी वहाँ पे बैठ गया और सामने है बीच। सो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब सीमा भी बैठ गया अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सीमा क्या डलवाया? अच्छा ये क्या है, आमलेट। ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए। ये है हमारा बीच, जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो पिछले व्लॉग में देख लेना, मैंने इसकी पूरी वीडियो डाली है। तो लो जी बीच के पास पहुंच चुके हम दोबारा से और मजा आ रहा है यार देख के। यहाँ पर आके ना इतना रिलैक्सेशन लगता है ना यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे अभी बागा में ज्यादा क्राउड है, यहाँ पर हमारी साइड में ज्यादा क्राउड नहीं है तो हम आराम से यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। बीच इतनी क्लीन है ना, इतना ग्रीन ग्रीन सी दिख रहा है ना, पता नहीं गाइस आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यार। आरव ना पूरा इंजॉय कर रहा है, कुछ दिखा है इसको। ओ वाओ क्या है आरव, शैल ये सुनिधि बुआ के लिए लिया है। वाओ यहाँ पे दिखा था, हमारा जाने का टाइम हो गया पर यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा है हमारा। रेडी होके सारे कपड़े गिल्ले कर लिए। कितना क्लियर पानी है यार, आज तो नीचे फिश भी दिख रही है हमें। चलो चलना है बेटा, टाइम हो रहा है अब यहाँ से जाने का। आज सच में मेरा भी दिल नहीं कर रहा है क्योंकि यार हमें बीच बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब हो गया है यहाँ से जाने का टाइम और लगेज वगैरह हमने सारा कैरी कर लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। आरओ भी रेडी है। तो चलो जी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपको दिखाते हैं वहाँ जाकर। जो ब्रिज मैं देखना चाहता था ना वो आ गया ब्रिज। अभी भैया हम इसी को क्रॉस करके जाएंगे ना? हाँ इसी को क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये वाला ब्रिज? ये सर साउथ गोवा में पड़ता है। इसको बने हुए कितना टाइम हुआ है? अभी सर इसको फिलहाल एक साल जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन 22 दिसंबर को इसका ओपनिंग था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। और ये गोवा का पहला ऐसा ब्रिज है जो 8-lane हाईवे है, पूरे गोवा में ऐसा कोई नहीं है। तो लो जी फाइनली दोस्तों हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। तो जी भैया ने हमें बिल्कुल सही पहुंचा दिया है अपनी डेस्टिनेशन पे और इनकी सर्विस पूरी बहुत अच्छी है। अगर किसी को आना हो ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डाल दूंगा, तो इनसे कैब कर सकते हो आप। बहुत अच्छे नाइस पीपल हैं, बहुत अच्छे से लेके जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। थैंक यू। तो जी पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, अब चलते हैं अंदर। यह है इनका रिसेप्शन एरिया। पहुँच गए हम। प्रॉपर्टी है जो ये बीच के बिल्कुल पास में है, आप यहाँ से आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे सारा बैठने का बना हुआ है और वाओ ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। ये देखो तो आप चलते हैं बीच में। तो रिजॉर्ट से ही रास्ता दिया हुआ है जाने का, बाहर से घूम के जाएंगे। हाँ तो इन्होंने बताया हुआ है कि
इस टाइम पे आप यहाँ से जा सकते हो। और चलो अब बीच में जाते हैं, हमसे रहा नहीं गया, आते आते ही हम सोचा कि चलो पहले बीच में जाते हैं। यहाँ पे ना बिल्कुल भी क्राउड नहीं है और ऐसा लग रहा है बस दो चार लोग ही हैं। मजा आ रहा है यार, क्या हुआ? मैं चप्पल दूसरी डाली है। ये रेत गर्म है ना? हाँ चल कोई बात नहीं, मैंने तो शूज डाले हुए हैं। तो अभी आरव को उठा लिया उसके पापा ने, मैंने यार स्लीपर ऐसे वाले डाल लिए तो उससे ना मेरे पैरों में रेता जो है वो बहुत गर्म रेत लग रहा है। मतलब यार यहाँ थोड़ी सी सन टैन की प्रॉब्लम है, पर जब आप आए हो घूमने के लिए तो उसका कोई इशू नहीं होता, जाके हो जाएगा सही। मेन मोटिव है एंजॉय करना। जो हमारा पिछला था ना वो भी ऐसे ही था, वहाँ पे क्राउड नहीं। हमने आरव की वजह से बीच के बिल्कुल पास ही किया क्योंकि फिर बच्चे को तो यही एंजॉय है। आरव और सीमा तो चले गए हैं बीच में, मैंने शूज डाल रखे हैं। सच में यार यहाँ आके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, अलग वाइब है यहाँ की साउथ की। अगर आपको थोड़ा क्राउडली चाहिए तो वहाँ पर मिलेगा, और अगर आपको शांत एकांत जगह चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी हम हैं कोलवा बीच में, तो ये कोलवा बीच बहुत ज़्यादा सुंदर है। और देखो कहाँ पे घूम रहे हैं। तो चलो जी अब जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और चेक इन करते हैं। हाँ जी ये है हमारा साउथ गोवा का न्यू रूम। यस, तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में और ये है हमारा रूम। यस तो चलो जी, और अच्छी चीज़ यार ये है कि रूम हमारा बिल्कुल बीच के सामने है और वाओ गुड यार, कितना नाइस है यार, सामने है बीच और यहाँ पर बैठेंगे हम। और वहाँ पर खेलने का बना हुआ है, सीमा ने आते ही काम शुरू कर दिया धूप में। जहाँ भी जाता है बीच में अपने कपड़े गीले कर लेता है ना। चल ठीक है ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूल, वाओ कितना अच्छा है, कितना सही बना हुआ है यार। का यहाँ पर ही साथ में बना हुआ है शावर एरिया, बाद में आप शावर ले सकते हो यहाँ पर। और दोस्तों ये बना हुआ है बच्चों के लिए छोटा, ताकि वो यहाँ पर खेल सके। आरव को भी हम यहीं पर ही खिलाएंगे। तो जी ये है रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड भी काफी ग्रीनरी है और यहाँ से है रूम, और हमारा रूम वो है, वहाँ चलते हैं। अरे बिल्कुल रूम के सामने ना ये पीस लिली के फ्लावर लगे हुए हैं, वाओ यार। अरे ये ले फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं और साथ में मैंने मंगवाए हैं स्प्रिंग रोल, और फिर जाएंगे हम पूल में, ठीक है। वाओ, और ये है बाहर का नज़ारा इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यार। अभी हल्की हल्की धूप है, टाइम अभी है जो वो बज रहे हैं 4। यहाँ की वाइब वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर यार मतलब ना शांति है, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर साउथ गोवा में आना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो भाई आरव रेडी हो गया, अब चलते हैं पूल में। लेट्स गो स्विमिंग पूल। ये जी मैं तो आ गया हूँ पानी में। आरव का तो पता नहीं पर मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये आरव इंजॉय कर रहे हो। यस। One hour later. मेरे बालों का देखो यार क्या बन गया, अभी पूल में था तो इस वजह से ये हाल हो गया। अब लो ड्रोन शॉट के नजारे, 1 2 3 गो। Rock paper scissors you shoot me. Something always keeps me up. It's like you got a bone in your trauma. Keep it close enough and you're not alone.
तो गाइस आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे बताना कमेंट में। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे शॉट लूं और सच में आप बहुत अच्छे शॉट आए हैं। अभी भी आरव और सीमा तो अंदर ही घुसे हुए हैं, वो यहां से निकल ही नहीं रहे हैं। वो देखो वो सामने बैठे हैं। आरव अब चलो बेटा, बहुत टाइम हो गया आप निकल ही नहीं रहे हो यहां से। ये देख लो अब इसके काम। कितनी अच्छी वाइब है यार, अब तो लाइट जल गया यहाँ पर। पूरा पूल खाली हो गया है और ये तब निकले हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में। हाँ जी यार, क्या कह रहे हो पापा जी? हाँ वो देखो सामने वाह, कितनी अच्छी लाइटिंग है यार। हम इस साइड आए नहीं और लाइटिंग देखो कितनी प्यारी है यार यहाँ की लाइटिंग। वाह, हम इतनी देर से ना, जब से शाम हुई थी हम वहीं पर ही थे और यहाँ पर हमने देखा ही नहीं। व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं यार, इतना मज़ा आ रहा है। तो यार मैं ना भी ग्रास पे लेटा हुआ हूँ और सामने का नज़ारा इतना प्यारा है ना, आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा होटल और ये रहा रात का नज़ारा और हम चल दिए हैं बीच पे। ये हम बैठे हैं समुंदर के किनारे और बड़ा मज़ा आ रहा है यार। थोड़ी देर बैठ के ना बड़ी शांति मिल रही है यहाँ पर और मज़ा आ रहा है यार। ये सामने है बीच। अभी यहाँ पर अपना डिनर करेंगे सागर किनारा में। तो यहीं पे डिनर करना है अपना। किसी ने हमें बताया था दो जनों ने कि यहाँ पे ना सागर किनारा अच्छा है। तो जी हमारा डोसा आ गया है। हमने सोचा ये थोड़ा हल्का होगा बट यार इसका स्टफ भी बहुत ज़्यादा है। आरव को देखो यहाँ पे फ़ोन, आरव यहाँ पर भी फ़ोन पे। डिनर हमारा यहाँ से हो चुका है, अब जा रहे हैं हम आगे मार्केट को करते हैं एक्सप्लोर। आरव को देखो, वाह आरव अच्छा लग रहा है, ये क्यूटी। तो लो जी सीमा ने और आरव ने ले ली है कैब। यस गोवा वाइब आ गई पूरी पूरी। गाइस गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। यस आरव ने ना तंग कर दिया कैट को, वो बेचारी वहां जाके बैठ गई है। पापा मन कर रहा है ले लूं। मन कर रहा है ले जाऊं, कहां लेके जाएंगे? वहां पे अपने घर। तो चलो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल का व्लॉग जो आएगा ना गाइस वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा व्लॉग है, आपको अच्छा लगेगा।
और आज का व्लॉग कैसा लगा बताना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अरे मजा आ रहा है, ये लटक गया इसके, मजा आ रहा है, लटका हुआ है, पैर उठा के लटका हुआ है इसके सारे। ओ ये स्विमिंग देख लो, स्विमिंग देख लो, स्विमिंग देख लो, धोखा है भाई, धोखा Fought for peace but walked into war. What a place that I have to call home.